السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. وقال الله تعالى في موضع آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. امين. جلسے کی صدارت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے فضیلت شیخ شفیع عالم جامعی حفظہ اللہ جلسے حاضر کی نظامت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے جناب یاقظ صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود تمام محترم علماء کرام، شہر حیدرآباد سے اردو جوان سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات اور میرے نوجوان ساتھی، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم سب کو آج کی اس جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. وہی احکم الحاکمین ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک ارض و سما ہے، وہی مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا پورا کا پورا مالک ہے، وہی غفور الرحیم ہے،
और वही अला कुल शय कदीर है। दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं उनको काट कर कलम बना दिया जाए और जितना समंदर का पानी है उसकी स्याही बना दी जाए, अगर उस कलम और स्याही के जरिए हम अल्लाह की तारीफ लिखना चाहें, अल्लाह की हमको तना लिखना चाहें, लनफिदल बहर क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी, कलम खत्म हो जाएंगे, स्याही खुश्क हो जाएगी, लेकिन हम अल्लाह की हमको सना लिख नहीं सकते हैं, मुकम्मल तौर पर बयान नहीं। ये अल्लाह की बहुत मुख्तसर सी तारीफ है। बाद मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इलाहलालमीन कयामत की सुबह तक दरूद सलाम के फूलों की बारिश नाज़िल फरमा तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलहुमूम और बिलखुसूस खातमुन नबियीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मोमिनीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि हजरत, वक्त की नजाकत का इदराक रखते हुए जिस मौजू पर मुझे बोलने का हुक्म दिया है वो है अल्लाह की पहचान, जिसे आप अरबी में मारिफत इलाही कह सकते हैं। अपने मौजू की शुरुआत करने से पहले मैं अल्लाह से दुआ करना चाहता हूं कि वो हम सबको कहने सुनने समझने के साथ साथ तमाम बातों पर अमल करने की पूरी तौफीक अता हो जाए। गौर करने का मान कि आप दुनिया के अंदर इस कायनात में एक निकाह हो रहा है तो आपको बड़ी अजीब अजीब चीजें देखने को मिलेंगी। ये जमीन देखिए आप, ये आसमान देखिए, ये पहाड़ की बुलंदियां देखिए, जमीन की गहराइयां देखिए, सूरज का तुलू होना और शाम होकर गुरूब हो जाना, चांद का निकल आना, ये क्या खुदबा खुद अपने आप हो रहा है? क्या यह सारा निजाम अपने आप चल रहा है? कोई भी अकलमंद इंसान ये नहीं कह सकता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है, बल्कि इस निजाम को चलाने वाला कोई ना कोई जरूर है। निकल सुबह हो सूरज निकले, शाम हो धूप हो जाए, चांद निकल आए, आप दुनिया की एक एक चीज पर निगाह डालिए, समंदर देखिए, समंदर की मौजें देखिए, मौज का पानी देखिए, पानी के बुलबुले देखिए, कीड़े के मुंह से रेशम देखिए, आप मक्खी के मुंह में शहद देखिए, इसी तरीके से लकड़ी से निकलने वाले फल देखिए, लकड़ी फल कहां से निकलते हैं? लकड़ी से आम निकल रहा है, अनार निकल रहा है। मेरे रब को पहचानना है, मेरे रब की कुदरत को देखना है तो सिर्फ एक अनार ही देख लो, जरा दाना दाना जोड़ करके दिखाओ, फिर उसको पर्दों में लपेट कर दिखाओ, फिर इसके ऊपर कवर चढ़ा के दिखाओ, फिर उसमें रंग भर के दिखाओ, फिर खुशबू भर के दिखाओ, फिर सायके भर के दिखाओ, आप एक एक चीज देखिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान बताती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत। और अकल की कुवत भी इस बात पर तमाम है कि ये कायनात की फैक्ट्री का निजाम चलाने वाला कोई ना कोई जरूर है, और वो कौन है? अल्लाह अल्लज़ी रफ़अ अस-समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा तुम इस्तवा अला अर्श वसख्खर अश-शमसा वल-क़मरा कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मा। वो कौन है? अल्लाह, वो अल्लाह है जिसने सूरज को सतर किया, चांद जमीन को फर्श बनाकर बिछा दिया, वो कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह कौन है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, चार पांव पर चलने वालों का मालिक, दो पांव पर चलने वालों का मालिक है, जानवरों का मालिक, दहाड़ने वाले फाड़ने वाले सब का मालिक, सांप का मालिक, जितनी भी चीजें हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है, सारी चीजें अल्लाह की।
कुरान एक मुदल्लल किताब है, एक मुदल्लल बुक है, और उस किताब के अंदर खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत को बयान किया। अल्लाह क्या फरमाता है सूरह गाशिया आयत नंबर 20 में, अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान किया है। अफला यंजुरून इलल इबल कैफ खुलिकत وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت। الله خود اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت। او لوگو اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ایک اونٹ کو دیکھ لو। اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا ينظرون लोगों क्या तुमने ऊंट की तकलीफ को नहीं देखा, क्या तुमने ऊंट की बनावट को नहीं देखा, मेरे रब ने ऊंट को कैसा बनाया, जरा इतनी लंबा इतना चौड़ा सर ला के दिखाओ और फिर उसके नीचे लंबी गर्दन बनाओ, फिर उसका भारी भरकम जिस्म बनाओ, फिर चार पैर लगाओ, फिर उसकी पीठ पर कुहान लगाओ। अरे एक ऊंट ही मेरे रब की कुदरत का शाहकार है। अफला यंजुरून इलल इबल कैफ खुलिकत, क्या तुमने ऊंट की तखलीक को नहीं देखा कि तेरे रब ने ऊंट को कैसा बनाया है। वैल समाई कैफ रुफ्यात, आसमान देख लो बगैर सुकून के तेरे रब ने उसको जमा दिया। और जानते हो जिस जमीन पर तुम बैठे हो इस जमीन से पांच छह आसमान को छोड़ो पहले आसमान की दूरी कितनी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस जमीन से और ये जो पहला आसमान नजर आ रहा है इस जमीन से उस आसमान की दूरी इतनी है। अगर कोई भी शख्स 500 साल अपनी सबसे तेज सवारी से जाए 500 साल गुजर जाएंगे तब भी वो पहले आसमान पर नहीं पहुंचेगा। वैल समाई कई बार प्यार वैल जिबाल कई बार मुसीबत, और पहाड़ को कैसे नसब कर दिया। वैल अर्ज कई फुसतहत, जिस जमीन पर तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम बसते हो, जिस जमीन पर तुम अपना कारोबार करते हो, कैसे तेरे रब ने बिछा दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अल्लाह की पहचान क्या है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन क्या है, अल्लाह की तारीफ क्या है। मेरे प्यारे साथियों मैं भी अल्लाह की तारीफ आपको बताओ, अल्लाह खुद अपनी तारीफ करता है, अल्लाह खुद अपने इंट्रोडक्शन बयान करता है, अल्लाह खुद अपनी पहचान करता है। कुरान जी हाँ सारी चीजें कुरान के अंदर मिलेंगी, मौलवियों की किताबों में नहीं मिलेंगी। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 255 खोल कर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना तारीफ करता है, क्या करता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्यु कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द मन दल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم। इस आयत के अंदर आपको अल्लाह का इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा, अल्लाह की पहचान पता चल जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, आयतन कुर्सी। जी हाँ ये आयतन कुर्सी है, और आयतन कुर्सी की कुर्सी का मतलब आपको जानते क्या होता है, ये कुर्सी नहीं होगी जिस पर हम लोग बैठते हैं, नहीं वो अल्लाह की कुर्सी है। और अल्लाह की कुर्सी कैसी है आइए बात आ गई तो मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह की कुर्सी किसे कहते हैं, दुनिया की कुर्सियां ऐसी होती है जिस पर हम बैठते हैं, हम बैठते हैं कुर्सियों पर दुनिया के अंदर हम बैठते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी कुर्सी पर बैठता नहीं है। अल्लाह अपनी कुर्सी पर मौज़ऊ कदमैन अपने दोनों पांव रखता है, अपने दोनों पैर रखता है। अल्लाह की कुर्सी क्या है, मौज़ऊ कदमैन, जहां अल्लाह अपने दोनों पैर रखता है उसे अल्लाह की कुर्सी कहा जाता है। इससे एक बात और पता चली कि अल्लाह के दो पैर हैं, अल्लाह के दो पैर हैं,
अगर एक पैर होता तो मौजों कदम आता। यहाँ तक दुनिया है, अल्लाह के दो पैर है। इस बात से एक मसला और मालूम हुआ कि अल्लाह का आकार है। आज गैर मुस्लिम कहते हैं कि भगवान निराकार निराकार, और हमारे बहुत से मुसलमान भाई भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला निराकार है। निराकार का मतलब उसका कोई आकार नहीं, उसका चेहरा नहीं, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं। जबकि अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह के पैर भी है, और अल्लाह है भी है। अल्लाह का पैर भी नहीं, मौजूद कदम नहीं, जहां अल्लाह अपने दोनों पैर रखे उसे अल्लाह की कुर्सी। तो पता चला अल्लाह का पैर भी है कि अल्लाह का चेहरा नहीं है। क्या बनेगा? लिल्ला लगने का नहीं बनेगा। अब
कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, तो अलिफ हटाने से भी अल्लाह का नाम बिगड़ता नहीं बल्कि अल्लाह ही है। चलो एक नाम होगा, क्या बनेगा इलाह, अल्लाह ने क्या कहा, वह इलाह तुम इलाह वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमान रहीम, तो अगर नाम भी हटाते तब भी अल्लाह का नाम ही रहेगा। बहरहाल अल्लाह अपना नाम अल्लाह ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ने अपना नाम बताया और फिर फरमाया लोगों से मेरी ही इबादत करो, मेरी ही बंदगी करो, ला इलाहा इल्ला मेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, और यही अव्वल दर्जे का ईमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो हदीस देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल ईमान बिज़ुन व सबुन शुबा अफ़ज़लुहा ला इलाहा तरीक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान की 70 से ज्यादा और 80 से कम ब्रांचेस है। मैं 70 से ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबूत का मतलब अभी के अंदर 70 होता है 70 और 20 ये 3 से लेकर 9 तक की गिनती पर बोला जाता है, इख्तलाफ है लेकिन बेहतर यही है 3 से लेकर 9 की गिनती में लफ्ज 20 का इस्तेमाल होता है। तो सबूत 20 यानी के 70 और 3 से 9, इसका सही तर्जुमा तो यही होगा कि ईमान की 70 से कम और 80 70 से ज्यादा और 80 से कम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान की 70 से ज्यादा और 80 से कम ब्रांचेस है, अफजल है और उसमें सबसे बेहतर क्या है, उसमें सबसे ग्रेट क्या है, उसमें सबसे अफजल क्या है। मेरे नबी फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम ये है कि बच्चा देने वाली जात अल्लाह की है, तेरा कारोबार नहीं चल रहा है, तुम्हारा मारा फिर रहा है, तुझे किसी की दरगाह पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा रब कहता है तू मुझे पुकार के तेरी पुकार को कबूल करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये है मुश्किल तुझा अगर दूर करवाना है तो तरफ से करवा, तेरी बीवी की गोद और से खाली है, बेटा बेटी मांगना है तो अल्लाह से मांग। अल्लाह कौन है, अल्लाह वो है जिसकी इबादत की जाए उसके अलावा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ला इलाहा कोई इबादत मगर अल्लाह के अल क़य्यूम। दुनिया के अंदर कितने लोग आए, कितने लोग दुनिया के अंदर आए जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी एक ऐसा बता दो जो ये दावा करे कि मैं जिंदा रहूंगा हमेशा तक, मैं अमर रहूंगा मुझे कभी मौत नहीं आएगी, कोई ये दावा नहीं कर सकता है। सिकंदर आजम पूरी दुनिया पर हुकूमत कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मुझे मौत नहीं आएगी। अरबी का शायर कहता है लौ काना फिद्दुन या बकाएम लमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया के अंदर किसी को बका होती, अगर दुनिया के अंदर किसी को हमेश की होती तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह भी ना होते, आपके इंतकाल नहीं होता। किसी शायर ने सही कहा है मौत से किस को रुस्तगारी है, किसको रिश्तेदारी है, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। जो आए है सब जाने के लिए आए, लेकिन अल्लाह की जात क्या है अल हय, उसको कभी मौत ही नहीं आएगी, अल्लाह कभी मर ही नहीं सकता। अल्लाह का तारुफ देखना है, अल्लाह कौन, अल्लाह किसे कहते हैं, वो है जो मौत से परे है, मौत से पाक है, अल कय्यूम हमेशा कायम रहने वाला हमेशा रहे। पहली चीज इस आयत के अंदर अल्लाह ने अपना नाम बताया, मेरा नाम अल्लाह है, फिर यह बताया कि इबादत सिर्फ मेरी करो, किसी और की इबादत करना जायज और दुरुस्त नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने क्या बताया, मुझे मौत कभी नहीं आएगी और मैं हमेशा रहने वाला हूं। क्या उसके बाद क्या कहा, ला ताखुदु हुस्न वला नौम, ना तो उसको ऊंगा किए और ना नींदा किए। आमतौर पर इंसान को पहले नींद आती है, ऊंग आती है, पहले ऊंग आती है फिर नींद आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊंग से भी बड़ी है।
लाता खुदू हसनत लला नूर लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज, और जो कुछ आसमानों में और जमीन में सब अल्लाह का है, यानी कि हर चीज पर अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह हर चीज का मालिक है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हमने इसी चीज को नहीं समझा है, हमने इसी अकीदे को नहीं जाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज का मालिक है, अल्लाह कदीर है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह लतीफ है, सारी चीज अल्लाह के कब्जे में, अल्लाह की कुदरत में है। कौन जानता है अंजाम क्या है और इब्तिदा क्या है, लेकिन अल्लाह को पता है इब्तिदा हो रही है, अंजाम क्या होने वाला है अल्लाह को पता है। अभी बादल पर आए हैं, ना जाने बारिश होगी या नहीं, बारिश होगी या नहीं, बिजली कड़के दिया नहीं, वो ले गएगी या नहीं, अल्लाह को पता है। अल्लाह वो है जो मुशरिक के घर में नबी को पैदा कर दे, अल्लाह वो है जो मुशरिक के घर में मुवहिद को पैदा कर दे, अल्लाह वो है जो मुवहिद के घर में मुशरिक को पैदा कर दे। हजरत इब्राहिम का बाप आजम पक्का बुत परस्त था, पक्का मुशरिक था, लेकिन अल्लाह ने उस आजम के घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। कौन जानता था बुत तराश का बेटा बुत शकन होगा, कौन जानता था बुत बनाने वाले का बेटा बुत तोड़ने वाला होगा। और नबी के घर में यानी हजरत नूह के घर में उसी के बेटे को अल्लाह ने मुशरिक बना दिया, हजरत नूह भी कुछ ना कर सके। कौन जानता है अल्लाह के अलावा कौन जानता था कि पैदा होने वाला ये बच्चा, पैदा होने वाला ये बच्चा आगे चलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बन जाएगा, अल्लाह के सिवा कौन जानता था पैदा होने वाला ये लड़की हजरत मरियम बन जाएगी, अल्लाह के सिवा कौन जानता है पैदा होने वाला ये लड़का तारिक फतेह बन जाएगा, अल्लाह के अलावा कौन जानता है पैदा होने वाली लड़की तस्लीमा तस्लीम बन जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सब अल्लाह के कब्जे में है, वो चाहे जैसा कर दे। एक नबी को, एक अल्लाह के भेजे हमें नबी को एक जालिम के घर में पना दे और उसी के घर में परवरिश करवाए, ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। आइए मैं आपको आपके सामने दलील दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं। आपने फिरौन का नाम सुना हो, फिरौन का नाम, ये दरअसल फिरौन का नाम था, फिरौन का असल नाम इख्तलाफ है, लेकिन एक नाम जो मिलता है वो है अर्रानी, जो भी मिस्र का बादशाह होता था उसे फिरौन ही कहा जाता था, उनके ही लकब थे, लेकिन कुनिया उनका असल नाम फिरौन था। ये जो फिरौन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका नाम है अर्रानी सुल्तानी, अर्रानी इसका असल नाम है, अर्रानी नाम का एक बादशाह और पहले से गुजर चुका, इसीलिए इसके आगे तानी लगाया गया, यानी कि दूसरा रानी अर्रानी सुल्तान। ये कौन था जो कहता था लोगों मेरे सामने सजदा करो और क्या करो, और कहता था आना आपको क्यों लाला, मैं ही सबसे बड़ा रहा हूं, मैं ही रहा हूं, मेरे सामने सजदा करो। इसके काहिरों ने, जादूगरों ने, नजूमियों ने फिरौन से कहा, आए फिरौन, आए बादशाह, अन करीब तुम्हारी मम्लिकत में, तुम्हारी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा कर देगा, जो तुम्हारी हुकूमत का सर्वनाश कर देगा, जो तुम्हारी हुकूमत को तहोपाना कर देगा, जो तुम्हारी हुकूमत को मलिया मेट कर देगा। आए फिरौन, करीब ऐसा बच्चा मिस्र के अंदर पैदा होने वाला है। एक मजे की बात बताओ, अपने आप को खुदा कहता था मगर मौत से भी बहुत डरता था, मौत से बहुत डरता था, कहा क्या एक बच्चा पैदा होगा और मुझे मार देगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अपने सारे पुलिस वालों से, जेलों से कहा, ए जो भी नया बच्चा मिस्र के अंदर पैदा हो, शहर के अंदर पैदा हो, उसे फौरन कत्ल कर दो, फौरन मार। अब क्या था, फिरौन के चेले, फिरौन के लोग गांव गांव गली गली दस्ते कन्या ढूंढने लगे, और जहां भी कोई नया बच्चा पैदा हो जाता, नौ मालूम होता, उसे कत्ल कर देते, उसे मार देते। सबको कत्ल किया जा रहा है, जो भी नया बच्चा हो रहा है उसको मारा जा रहा है, क्योंकि फिरौन का हुक्म आ चुका है। उसी दौरान, उसी पीरियड में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां हजरत मूसा पैदा हो गए, उसी दौरान हजरत मूसा की विलादत हो गई, मां बेचारी डर गई,
उनका तो हुक्म आ चुका है, जितने भी मैं बच्चों ने मार दो, मेरा बेटा भी अभी पैदा हुआ है, ना जाने ये मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे, कहीं मेरे बच्चे को मार ना दे, बेचारी बहुत परेशान हो गई। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, आए मूसा की मां तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आए मूसा की मां तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तू अपने बेटे को दरिया में डाल दे, समंदर की मौजों के हवाले कर दे, अपने बेटे को छोटे से बच्चे की टोकरी में डाल दे और दरिया के हवाले कर दे, उसकी हिफाजत हम करने वाले हैं। अब जरा सोचो हजरत मूसा की माँ के दिल पर क्या गुजर रहा होगा, आए अल्लाह जी तू क्या कह रहा, अपने बेटे को दरिया में डाल दूं, अरे फिरौन के लोग मेरे बच्चे को कत्ल करेंगे, कम से कम लाश तो बरामद हो जाएगी, मैं अपने बच्चे को तेल तो लूंगी, चलो मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया गया, आए अल्लाह तू कह रहा है मेरे बच्चे को समंदर में डाल दूं, ना जाने मेरा बच्चा समंदर में कैसे रहेगा, कहीं ऐसा ना हो वो किसी मौत की चपेट में ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो उसको कोई मगरमच्छ निकल ना जाए, आए अल्लाह कैसे डालो, अल्लाह ताला फरमाता है अगर हमने मूसा की माँ के दिल को मजबूत ना किया होता तो वो ये काम हरगिज़ नहीं कर सकती थी। हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को दरिया में डाल दिया, एक टोकरी में रखा और पानी के हवाले कर दिया, वो दरिया समंदर के महल फिरौन के महल के पीछे से गुजरता था। बीवी आसिया जो फिरौन की जोजा थी, फिरौन की बीवी थी, उसने उस टोकरी को देखा, कहा नौकरानियों से उस टोकरी को लेकर आओ, जल्दी टोकरी मारी गई। हजरत आसिया ने देखा उस टोकरी के अंदर एक बड़ा खूबसूरत बच्चा है, फिरौन को पता चला कि दरिया से एक बच्चे को बरामद किया गया है और आपकी बीवी आसिया के पास है, फिरौन का गया कहने लगा को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे भी कत्ल कर दूंगा, मैं इसे भी मार दूंगा, कहीं ये वो ना हो जो मेरी हुकूमत का खात्मा कर दे, मैं इसे कत्ल कर दूंगा, इसे मार दूंगा। हजरत आसिया कहती है आए फिरौन, आए मेरे शोहर, ये बड़ा होकर आपके बुढ़ापे के सहारा बन जाएगा, बड़ा होकर मेरी आंखों का नूर बन जाएगा, आपके बुढ़ापे की लड़की बनेगा, आप इसको कत्ल ना करें। फिरौन जो अपने आप को ना रब आला कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर मौत से भी मौत, मगर उसके पास औलाद नहीं, औलाद का बच्चा नहीं था, तभी हजरत आसिया ने कहा इसके उसको पालते हैं, इसकी परवरिश करते हैं, ये बड़ा होकर आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरे दिल का खराब बनेगा, बहरे कह बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह वो है जिसने हजरत मूसा को अल्लाह के दर्शन चाहिए और सूर्य अहद इखलास अल्लाह अपने दर्शन है। कुल हु अल्लाह वाहिद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाह वाहिद दो नहीं है, अल्लाह एक है, लिहाजा खुदा भी कहना जायज नहीं है, क्योंकि पारसी मजहब के अंदर खुदा कहा जाता है और खुदा तो होते हैं, एक खुदा का नाम यजदा है और दूसरे खुदा का नाम अहरमन है, लिहाजा खुदा के अंदर तस्मिया मौजूद है, दो है, लिहाजा अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रब की जात वाहिद है, अल्लाह वाहिद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना तो उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना है, ना तो किसी का बेटा है और ना कोई उसका बेटा है, ना वो किसी की औलाद है और ना कोई उसकी औलाद है, तो किसी का बेटा नहीं है और ना कोई उसका बेटा है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात और मैं आपसे कहूंगा, कभी रोड पर जाइए तो आपको एक जुमला लिखा हुआ है, वो जुमला क्या है, जो राम है वो रहीम है,
जुमला आपको मिल जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में तो काफी लिखा रहता है दुकानों पर, शायद आपने लिखा रहता हो। बहरहाल ये लिखा होता है जो राम है वो रहीम है, जो राम है वो रहीम हो ही नहीं सकता है, और जो रहीम है वो राम सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो भगवान राम है वो किसी से पैदा हुए हैं, किसी के बेटे हैं, और अल्लाह कहता है ना मैं किसी का बेटा हूं और ना मेरा कोई बेटा है, लिहाजा राम नहीं हो सकते हैं। अल्लाह की जात वो है ना कि वो किसी की औलाद नहीं है और ना कोई अल्लाह की औलाद है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और वो हर चीज में दिखता है, हर चीज का अकेला है, ये अल्लाह कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है उदून यस्तजिब लकुम, आए मेरे बंदो तुम मुझसे सवाल करो, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, उजीबू दावत अद्दाई इज़ा दान फलयस्तजीबनी वलियुमिनुनी लअल्लहुम यरशुदून। आए मेरे बंदे तुम मुझे पुकारो, आए मेरे बंदे तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मैं तुम्हें दुआ को करूंगा। लेकिन आज मैं तरीका ही नहीं पता है, और तो मेरा रब मुझसे कहता है आए मेरे मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, अच्छा नहीं हुआ तुम मुझसे मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तेरे हालात सही नहीं है, तुम मुझको पुकार, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह खुद कहता है वो तो है नहीं है इसका जिसमें को लोग मुझे पुकारो। लेकिन आज मामला बड़े अलग है, बहुत अफसोस की बात है, हमारे बहुत से भाइयों को मांगने का तरीका ही नहीं मालूम, वो अल्लाह से नहीं मांगते हैं बल्कि गैर अल्लाह से अपनी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई करवाते हैं। मैं फिर यही कहूंगा, मैं यही कहूंगा, जरा मेरे ये भाई मुझे इतना बता दो कि हमारे दूसरे भाइयों में और इन भाइयों में क्या फर्क रह गया, क्या अंतर रह गया, क्या डिफरेंस रह गया। नाम सिर्फ डिफरेंस सिर्फ नाम का है, उनके शुरू में एच लगा हुआ है, तुम्हारे शुरू में भी लगा हुआ है, अंतर कोई नहीं है, फर्क कोई नहीं है, बस इतना सा फर्क है वो चाहे चाहे बजरंग बली करे तो तुम नारे हो गर्म ही करे, फर्क सिर्फ इतना है उनकी यहाँ मूर्तियों पर तो तुम्हारे यहाँ कपड़े पर और नजारे पर झुमरी और चादर चढ़ाई जाए, फर्क सिर्फ ये है कि तुम्हारा अकीदा ये है कि शिया तुम्हारे जलाली बच्चा देते हैं, बेटा बेटी देते हैं, और उनकी यहाँ अकीदा ये है कि लक्ष्मी पैसा देती है, और कोई फर्क नहीं, बस आपका फर्क है और आपका फर्क है। मेरे प्यारे साथियों तुम्हें अजमेर जाना हो, मुझे अजमेर जाना हो, तुम कैसे जाओ, मैं हेलीकॉप्टर से जाऊं, हवाई जहाज से जाऊं, लेकिन मंजिल तो एक है, पहुंचना अजमेर है। नारे बजरंगा भी लगाओ या नारे हैदर ही लगाओ, लेकिन पहुंचना तो वही है। अगर तुमने शिर्क किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। ए प्यारे साथियों होर करो, तुम किसे मांगो, तुम किसे अपनी हालत रवानी करवा रहे हो, तुम किसे अपनी मुश्किल कुशाई करवा रहे हो, क्या तुमने कुरान में नबियों के वाकयात नहीं पढ़े, हजरत आदम को नहीं देखा जन्नत से जमीन पर फेंक दिए गए, गलती हो गई, अल्लाह से गुजरा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे रब, ज़लमना अनफुसना आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, रब्बना ज़लमना अनफुसना हमने अपने आप पर अपनी नफ्स पर जुल्म किया है, आयला आला नबी हमने अपने आप के ऊपर जुल्म किया है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना अगर तूने हमें माफ नहीं किया, हमारे ऊपर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन तो हम तो खसारा उठाने वाला में हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, हम तो हलाक हो जाएंगे। और मेरे को मुझे बताओ हजरत आदम ने किससे मांगा, हजरत आदम ने मांगा तो अल्लाह से मांगा है, आज तुम किससे मांग रहे, कहते हैं
बच्चा चाहिए तो यहां चले जाओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो चाहिए तो यहां चले जाओ। और अल्लाह की कसम अफसोस की बात पर होता है, नाम के आगे मोहम्मद और आखिर में अहमद लगा हुआ है। अफसोस तो इस बात का है कि नाम भी मुसलमानों की तरह, लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह काम हो रही है। जिन मजारों पर जाए हम उनके नाम देखे बड़े अजीब लगे, छोड़ी वाली भी, छोड़ी वाली भी, कुत्ते वाले बाबा, गले वाले बाबा, नाम भी बड़े अजीब। एक लतीफा आपके साथ जिससे शायद मैं समझता हूं लतीफा आपके दिमाग में बहुत असर कर जाएगा। एक लतीफा सुनिए कि एक शख्स था, एक शख्स था, उस बेचारे का काम होता नहीं था, वो बड़ा परेशान रहता था। एक मरतबा एक खबर पर, एक खबर पर मिला और रोने लगा, चीखने लगा, बिलखने लगा, बाबा कुछ जरिए बनाओ, रास्ते बनाओ, कहीं से पैसा वगैरह आने लगे, रोजी रोटी चलने लगे। तो खबर का जो मुजावर था, खबर का जो मुजावर, उससे कहता है वो जो गधा देख रहा था बंदा हुआ, जाओ उस गधे को ले जाओ, मैं वो गधा तुमको दे देता हूं। अब वो उस गधे पर सामान गोद डालने लगा और इस शहर से उस शहर, इस गांव से इस गांव, और थोड़े थोड़े पैसे वगैरह उसके पास आने लगे, थोड़ा उसकी रोजी रोटी चलने लगी। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वो गधा मर गया, वो गधा मर गया। और उसने एक कब्र खोदी, कब्र के अंदर गधे को गाड़ दिया और बेचारा मर गया। रोने लगा, जाहिर सी बात एक गधा था, रोटी रोजी चलती चलती थी, अब वो मर गया तो उसके कब्र पर फूट फूट कर रो रहा है। तुम थे तो काम धंधा चलता था, बताओ करने क्या, तुम थे तो कोई सहारा, तुम थे तो थोड़े से आए वसाई बन जाते। कुछ लोगों का गुजर वहां से हुआ, देखा रहा ना कब्र के पास बैठा हुआ है, लगता है बहुत बड़े बाबा जी कब्र के अंदर, बहुत बड़े बाबा जी कब्र के अंदर है। उसने और गांव वालों को बता दिया, ए बस्ती के बगल में इतने बड़े बाबा जी, हमें तो आज तक नहीं पता। फिर क्या, लोग सेवक सोना चांदी पैसा, और जो गले वाला था वो बैठा बैठा ना मुजावर से मुलाकात हुई। मुजावर ने कहा, और भाई सब सही चल रहा है ना, वो गधा मैंने दिया था कैसा है? कहा क्या गधा तुमने दिया, कमाल, बड़ा मजा है, गधे ने तो मेरी जिंदगी बना दी। वो मुजावर कहता है, तू पहले जिसकी कब्र पर मांग रहा था ना, वो उसका बाप था। हाँ, हम बाप भी किसे है लोगों गौर करो, हजरत आदम ने किससे मांगा, हजरत याकूब ने किससे मांगे, भाइयों ने जुल्म किया, खून में आलू कपड़ा लेकर हजरत याकूब को दिखा दी, आया बाजार में यूसुफ को भेड़िया खा गया, डरे हम हजरत या पता नहीं है बेटे की जुदाई का सदमा लगा हुआ है। हजरत याकूब रो रहे हैं, कुरान नक्शा खींचता है, इन्नमा अश्कुबती हुज़्नी इलल्लाह वअलमु मिनल्लाह। हजरत याकूब यूसुफ के याद में रोए के दीवाने हो गए, इतने रोए, इतने रोए कि आंखें भी सफेद हो गई। हजरत याकूब अंधे हो गए, लेकिन जुबान से यही निकल रहा है, हाय हाय मेरे यूसुफ, हाय हाय मेरे यूसुफ, आए अल्लाह मुझे मेरा यूसुफ बता दे, मुझे मेरा यूसुफ दे दे। अल्लाह ने हजरत याकूब की पुकार को सुन लिया, और लोगों मांगना है कैसे मांगे, जिससे हजरत याकूब ने मांगा, मांग रहे तुझसे मांगो जिससे हजरत इब्राहिम मांगा। सर के सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी लगा फतवा जारी है, रब्बी हबली मिन सालिहीन, आए अल्लाह मुझे नेक बेटा का फरमा, रब्बी हबली मिन सालिहीन, आए अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, आए अल्लाह मुझे नेक बेटे से नवाज दे। अल्लाह ने नेक बेटे की खुशखबरी
सुना दी सब शरना हो तो गुलामन हलीम और लोग मांगना है तो उससे मांगो जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा और लोगो मांगना है तो उससे मांगो जिससे हजरत यूनुस ने मछली के पेट में मांगा था ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन अगर मांगना है तो उससे मांगो जिससे शहंशाह बता ने बदर के मैदान में मांगा था 313 है बड़ा छोटा लश्कर है बड़ी कलीय जमात है और सामने एक जमात है मेरे नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा तुहल हाज़िह अल-असाबा लम तबता बादा ऐ अल्लाह अगर आज 313 मर गए ऐ अल्लाह अगर आज 313 हलाक के बर्बाद हो गए अगर आज 313 मर गए ऐ अल्लाह लमीन लम तबता बादा आज के बाद तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा आज के बाद तेरा जिक्र करने वाला कोई ना होगा। हजरत अबू बकर रहा ना गया नबी अकरम से कहा ऐ अल्लाह के नबी अपने सर को उठाइए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ जिब्राइल ऐ अबू बकर अभी जिब्राइल ने मुझे खबर दी है कि अल्लाह ने हमारी मदद के लिए जंग में फरिश्तों को भेज दिया है लोगों मांगना है तो उनसे मांगो जिससे अंबिया ने मांगा और अगर उन्होंने किसी से मांगा है अल्लाह की कसम हमें दिखा दो रब्बे काबे की कसम हम भी मांगना शुरू कर देंगे शुरू करवा देंगे मुश्किल कुशाई शुरू करवा देंगे लेकिन अगर इन्होंने नहीं मांगा तो हम कौन होते हैं हम कौन होते हैं जिसको मांगने वाले जरा बता कर लगा मेरे नबी से भी मांगना जायज नहीं हराम है तो इन लोगों से मांगने कैसे जायज हो जाएगा। अल्लाह खुद कहता है उदउनी अस्तजब लकुम आए मेरे बंदे तुम मुझे पुकारो मैं पुकार को सुनूंगा मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। पहचाने कौन अल्लाह कौन है अल्लाह वो है जितनी भी मुश्किल कुशाइयां हो जितनी भी दुआएं हो सिर्फ अल्लाह से की जाए। अल्लाह क्या कहता है इन्नका ला तुस्मउल मौता वला तुस्मउल तुम्हारा दुआ आए लोगो तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते हो और बहरों को तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते हो और बहरों को नहीं सुना सकते। इन दोनों में आपको कोई मेल नजर आ रहा है इन दोनों में आपको कोई इंसानियत नजर आ रही है। अल्लाह कहता है तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते हो और तुम बहरों को नहीं सुना सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहना चाहता है कि एक मुर्दा है उसको अभी साइड में एक जिंदा है लेकिन बहरा है जिंदा है मगर बहरा है उसके पास आंख है देखने के लिए जुबान है बोलने के लिए हाथ है पैर है अकल है तमाम चीजें है मगर सिर्फ कान नहीं है। जिसके पास कान नहीं है तुम उसको नहीं सुना सकते हो जिसके पास जान है तुम उसको क्या सुनाओगे हरगिज़ नहीं सुना सकते। और अल्लाह कहना कहता है तो अल्लाह को पहचानिए अल्लाह कौन है। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह जिसे चाहे लड़का दे जिसे चाहे लड़की दे और जिसे चाहे दोनों से नवाज दे और जिसे चाहे एक भी ना दे। हजरत याकूब के बेटे बेटे लेकिन बेटी एक भी नहीं हजरत याकूब के 12 बेटे लेकिन बेटी से महरूम है। इतने जलील कदर नबी थे हजरत याकूब चाहते तो बड़े एक बेटी पैदा कर लेते लेकिन हजरत याकूब भी इतने ज्यादा कमजोर है बेटी एक भी बेटा नहीं। इतने अजीब पैगंबर है इस्लाम चाहे तो आपके लिए एक बेटा पैदा कर लेते लेकिन वो भी कमजोर है बेटा और बेटी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहूं बेटा दूं जिसे चाहे बेटी दूं और जिसे चाहूं कुछ भी ना दूं। हजरत ईसा का अब तक ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है और अल्लाह ने कहा मैं जिसे चाहूं बेटा भी दूं बेटी भी दूं। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे भी दिए अल्लाह ने आपको ये भी कह सकता है कि नबी अकरम मुख्तारिफ है नबी तो आपके पास बेटा भी है बेटी भी है इसीलिए अल्लाह ने नबी के किसी भी बेटे को दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रखा। आपकी जितनी भी नरीना औलाद थी वो सब 1-1.5 साल के बाद मर जाती थी। आपका पहला बेटा काफी हुआ वो भी 1 साल से ज्यादा जिंदा ना रह सका मर गया। आपका दूसरा बेटा जिंदा हुआ वो भी मर गया और तीसरा बेटा आपने इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो
मुफ्ती बन गए तो कहना ही चाहेगा मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह इतना कसीर है जिसे चाहे बेटा दे बेटी दे दोनों से नमाजे और जिसे चाहे बाज रखे। अल्लाह की पहचान ये है, अल्लाह का तारुफ ये है कि लोगों जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, जब भी सवाल करना है अल्लाह से सवाल करो, क्योंकि मेरा रब कहता है उधरों में सजे रखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुआ कर मैं हूँ तुम बस इतना मांग तो देखो। वही सारा कहबा के भाई करीब हमारे सामने मिसाले हैं हजरत यादव की, हमारे सामने जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनका किया, इस प्रोग्राम को मुनाकिब किया, को शेयर कबूल करवा दे अमीर, और जो लोग इस मजलिस शरीक हुए हैं तो उन सबकी हाजिर में कबूल फरमा अमीर, हम सबको कहने सुनने के साथ तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और आखिर में मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हल्के जमीयत चंद्रैन कुत्ते की, उन्होंने मुझे दावत दी और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी चंद बातों को सुना। अल्लाह से दुआ है कि जब तक हम सबको जिंदा रखे इस्लाम पर और तुम्हारा खात्मा हो तो ईमान पर। वमा अलैना